उदाहरण 5, एक शतरंज के बोर्ड के 64 वर्गाकार खानों में प्रत्येक खाने का क्षेत्रफल 6.25 वर्ग सेंटीमीटर है। इस बोर्ड के चारों तरफ 2 सेंटीमीटर चौड़ाई के बॉर्डर बने हैं। शतरंज के बोर्ड की एक भुजा की माप ज्ञात कीजिए। हल, माना कि शतरंज के बोर्ड की बॉर्डर सहित माप एक सेंटीमीटर है। तब बॉर्डर की माप बराबर 2 सेंटीमीटर धन 2 सेंटीमीटर बराबर 4 सेंटीमीटर। बॉर्डर के बिना शतरंज के बोर्ड का क्षेत्रफल 4 की होंगी, और क्योंकि हम जानते हैं कि वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा गुणित भुजा होता है, तो x ऋण 4 का घात 2 हो गया। शतरंज के बोर्ड में 64 वर्गाकार खाने हैं, जिसमें से प्रत्येक का क्षेत्रफल 6.25 वर्ग सेंटीमीटर है। इसीलिए x ऋण 4 की घात 2, जो कि हमारा बॉर्डर के बिना शतरंज के बोर्ड का क्षेत्रफल था, और इसमें कुल खाने हैं 64, और एक खाने का जो क्षेत्रफल है वो 6.25 वर्ग सेंटीमीटर है। या x ऋण 4 की घात 2 को जब हम सर्वसमीका का प्रयोग करेंगे a ऋण b की घात 2, तो हमें प्राप्त होगा a का वर्ग ऋण 2 a b धन b का वर्ग बराबर 64 को जब हम गुणा करेंगे 6.25 से, तो हमें प्राप्त होगा 400, क्योंकि हमने सर्वसमीका का प्रयोग किया a ऋण b की घात 2 बराबर a की घात 2 ऋण 2 ए बी धन b की घात 2। यहाँ पे a x है, ऋण b 4 है। या x की घात 2 ऋण 8x धन 16
ऋण 400 बराबर शून्य, या x की घात 2 ऋण 8x ऋण 384 बराबर शून्य, या x की घात 2 ऋण 384 का गुणनखंड निकालेंगे और जिसको जिसमें हम इसका योग 8 लाने ऋण 8 लाने की कोशिश करेंगे, ऋण 8x, इसके लिए हम ऋण 8x को लिख सकते हैं ऋण 24x धन 16x ऋण 384 बराबर शून्य, या पहले दो पद से उभयनिष्ठ हमारे पास निकलेगा x, तो कोष्टक में बचेगा x ऋण 24 धन अंतिम दो पदों में से उभयनिष्ठ 16 निकलेगा और वो अंदर कोष्टक में बचेगा x ऋण 24, क्योंकि 16 को हम 24 से गुणा करते हैं तो हमें 384 प्राप्त होता है बराबर शून्य, या दोनों पदों में से उभयनिष्ठ x ऋण 24 और दूसरे कोष्टक में हम लिखेंगे x धन 16 बराबर शून्य। हमने देखा था अभी तक x ऋण 24 और x धन 16 बराबर शून्य, या x ऋण 24 बराबर शून्य, या x धन 16 बराबर शून्य, या x बराबर 24, या x बराबर धन 16 का पक्षांतर करेंगे तो ऋण 16 हमें प्राप्त होगा। तो x का मान 24 आया या x का मान ऋण 16 आया। शतरंज बोर्ड की माप ऋणात्मक नहीं हो सकती, अतः शतरंज के बोर्ड की एक भुजा की माप ऋण 16 ऋणात्मक होने के कारण लागू नहीं होगा, तो x का मान 24 है तो अतः शतरंज के बोर्ड की एक भुजा की माप 24 सेंटीमीटर होगी। यह इस उदाहरण का हल होगा।